तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं डंकी मूवी का 5वें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा दोस्तों, उसका प्रेडिक्शन करेंगे। साथ साथ आपको बताऊंगा सालार मूवी का 4थे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना, इसका प्रेडिक्शन करेंगे। अब तक का क्या हाल चल रहा है दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे। इनकी ओकुपेंसी कितनी दोस्तों, कितना कितना कलेक्शन कर सकते हैं दोनों मूवीज, वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नया चैनल सपोर्ट करना दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करने से वीडियो को रीच मिलती है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो डंकी मूवी का डे 5 और सालार मूवी का डे 4 है दोस्तों। भाई साहब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा डंकी मूवी ने भाई यहाँ पर वापसी करी है दोस्तों। डंकी मूवी ने डे 4 के अंदर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भाई साहब यहाँ पर 211 करोड़ 13 लाख रुपए कमाकर दोस्तों साबित कर दिया, आई एम द किंग। इस तरह के दोस्तों अपडेट निकल के सामने आए डंकी मूवी के। दोस्तों यहाँ पर डंकी मूवी की जो डे 5 की जो एडवांस बुकिंग हुई है दोस्तों, वो हुई है भाई 8 करोड़ 27 लाख रुपए। सालार मूवी की जो ऑल लैंग्वेज मिलाकर एडवांस बुकिंग हुई है डे 4 की, वो हुई है भाई 13 करोड़ 26 लाख रुपए। डंकी मूवी का कोलकाता में जो ऑक्युपेंसी निकल के सामने आ रही है दोस्तों, भाई साहब मेरे होश उड़ गए भाई, इतनी तगड़ी ऑक्युपेंसी भाई कोलकाता के अंदर 90% दोस्तों ऑक्युपेंसी, जो कि मॉर्निंग ऑक्युपेंसी इवनिंग ऑक्युपेंसी दोस्तों। बाकी दोस्तों दिल्ली NCR और चंडीगढ़ में भाई 95% डंकी मूवी की ऑक्युपेंसी निकल के सामने आ रही है, इस तरह की अपडेट निकल के सामने, रिपोर्ट निकल के सामने आई दोस्तों। बाकी देखा जाए तो भाई साहब यहां पर डंकी मूवी की मॉर्निंग ऑक्युपेंसी जो कि पूरे हिंदुस्तान में 20.94%, जो कि भाई आफ्टरनून ऑक्युपेंसी यानी कि दोपहर की ऑक्युपेंसी भाई साहब यहां पर 44.92% दोस्तों देखी गई है दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल दोस्तों सालार मूवी की हिंदी ऑक्युपेंसी की बात करें जो कि भाई मॉर्निंग ऑक्युपेंसी है भाई 19.38% और आफ्टरनून ऑक्युपेंसी है भाई 37.76%। दोस्तों यहाँ पर ऑक्युपेंसी कंपेयर करें तो दोस्तों भाई डंकी मूवी यहाँ से सालार से विन होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो डंकी मूवी दोपहर तक यानी कि दोस्तों मॉर्निंग और आफ्टरनून ऑक्युपेंसी के द्वारा भाई 11 करोड़ 48 लाख रुपए कमा चुकी है दोस्तों। उसका जो प्रेडिक्शन होने वाला दोस्तों बॉली किंग के हिसाब से, जो कि 22 करोड़ से लेकर 28 करोड़ के बीच में दोस्तों 100% डंकी मूवी कमा कर लेगी दोस्तों डे 5 के अंदर। बल्कि सालार मूवी की बात करें भाई दोपहर तक का जिसका हाल चल रहा है भाई 22 करोड़ 38 लाख रुपये कमा चुकी है दोस्तों ऑल लैंग्वेज मिलाकर। फिलहाल दोस्तों ये जो कलेक्शन कर सकती है भाई 35 करोड़ से लेकर 40 करोड़ के बीच में 100% डे 4 के अंदर सालार मूवी कलेक्शन करेगी भाई साहब, लिख कर ले लो। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो फुल रिपोर्ट जो आएगी भाई वो मॉर्निंग में आती है, बाकी शाम को सब के सब तुक्का मारते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं भाई जो भी फाइनल रिपोर्ट आती है भाई रात के 12 बजे 1 बजे दोस्तों फाइनल रिपोर्ट आ सकती है, और वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट डे आती है, यानी कि जैसे कि आप आज इंडिया का कलेक्शन आया उसके अगले दिन भाई वर्ल्ड वाइड की फाइनल रिपोर्ट आती है भाई दरअसल किसी मूवी ने कितने कितने कलेक्शन करें दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इस तरह का अपडेट निकल के सामने आ रही है कि भाई डंकी मूवी ने 4 डे के अंदर 100 करोड़ के अंदर क्लब में घुस चुकी है दोस्तों, 4 दिन के अंदर 211 करोड़ का कलेक्शन करके दोस्तों भाई डंकी मूवी ने इतिहास रच दिया। क्योंकि भाई कई सारे लोग ये कहते कि शाहरुख खान अपनी फिल्म की हैट्रिक नहीं मारेगा दोस्तों, शाहरुख खान ने अपनी ब्लॉकबस्टर की हैट्रिक मार दी है दोस्तों। डंकी का बजट है 8500 करोड़ और सालार का बजट है भाई 400 करोड़, यानी कि भाई 211 करोड़ ने कमाकर डंकी मूवी हो चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। फिलहाल दोस्तों आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स बताएं, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, नया चैनल सपोर्ट करें भाई साहब।